दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास नोट्स वाले इस ट्यूटोरियल में। तो भाई ये जो है इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और तो भाई क्या है आईपीसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आईपीसी कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो शुरू करते हैं इसे, तो बात करते हैं व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आईपीसी है क्या? तो आईपीसी का मतलब होता है कि इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच टू और मोर प्रोसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग मैकेनिज्म विदाउट यूजिंग शेयर एड्रेस स्पेस। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि आईपीसी मीन्स हाउ टू प्रोसेस आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, दो प्रोसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये होता है आईपीसी का मतलब। ओके, या फिर डेफिनेशन होता है ये। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो दो मेथड परफॉर्म किए जाते हैं आईपीसी में। नंबर वन जो होता है शेयरिंग डेटा, नंबर टू होता है मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। तो शेयरिंग ऑफ डेटा यानी कि शेयरिंग ऑफ मेमोरी, और जो दूसरा होता है वो होता है मैसेज पासिंग। ठीक है, तो बात करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टू और मोर प्रोसेस शेयर देयर डेटा विथ ईच अदर बाय यूजिंग आईपीसी इज इनेबल। ओके, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैकेनिज्म इज दैट योर डेटा इज शेयर्ड अमंग ऑल द यूजर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये पांच यूजर हैं और एक ही मेमोरी है, तो पांचों क्या कर रहे हैं, इन मतलब कि ए के पास इन चारों के जो डेटा होंगे वो ए के पास होंगे, सॉरी पी वन के पास इन चारों के डेटा होंगे, पी टू के पास इन चारों के डेटा होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका डेटा इन सबके पास शेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन मेमोरी को यूज कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम डिसएडवांटेज यही होता है कि आपका जो डेटा होता है सबके साथ शेयर हो जाता है। ओके, सो बात करते हैं मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। तो मैसेज पासिंग मैकेनिज्म क्या है, मैसेज पासिंग सेंड द मैसेज टू द रिसिपिएंट एंड द रिसिपिएंट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सोर्स। तो क्या करता है, सोर्स जो सेंडर होता है वो रिसीवर के पास एक मैसेज भेजता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है। तो ये क्या होता है, मैसेज पासिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, तो दिस इज द रिसिपिएंट और दिस इज द सोर्स। तो ये यहाँ पे सेंड कर रहा है, तो क्या सेंड कर रहा है, ये सेंड कर रहा है पीजे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसीवर है, रिसीवर क्या है, पीजे है। ठीक है, तो और ये मैसेज है, तो ये क्या कर रहा है, ये पीजे यानी कि रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये मैसेज यहां से इसके पास आया। अब ये जो रिसीवर है ये रिसीव कर रहा है, मैसेज रिसीव कर रहा है, कहां से रिसीव कर रहा है, तो जो सोर्स की आईडी है वो है पीआई। ठीक है, तो ये जो सेंडर है इसकी आईडी क्या है, पीआई। तो पीआई से मैसेज आया है और ये पीआई द सोर्स आईडी एंड ये उसका मैसेज है। तो दिस इज द, और यहाँ पे पीजे का मतलब क्या है, पीजे है आपके रिसिपिएंट आईडी, यानी कि किसके पास आपको भेजना है, तो पहले उसकी आईडी और फिर आपका मैसेज। और रिसीवर के पास क्या है कि कहां से आया है, दिस इज सोर्स आईडी और फिर ये मैसेज। अब हम बात करते हैं मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन की। तो यहां पर दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, तो समटाइम इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर बोथ नो द आइडेंटिटी ऑफ इच अदर। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे की आईडी का पता रहता है कि हाँ भाई किसने हमें मैसेज किया है। तो यहाँ पे ये क्या है, पी वन इज अ सेंडर, तो सेंडर पी टू को मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो सेंडर और यहां पर किसको सेंड करना है, उसकी आईडी, फिर आपका मैसेज, और ये मैसेज यहाँ पे रिसीवर के पास आ गया। अब रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर के पास एक मैसेज आया, कहां से आया, P1 इज द सेंडर आईडी। ठीक है, P1 से आया, क्या आया है, एक मैसेज आया है। तो दिस इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दोनों के सेंडर रिसीवर दोनों ही एक दूसरे के आईडी को जानते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज टू टाइप ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की नेमिंग कन्वेंशन होती है, पहला होता है एसिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन। तो हम बात करते हैं सिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन की। इसमें क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर नोन। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को जानते हैं, उनकी आईडी यहाँ पे होती है। तो सेंडर ये सेंड करेगा, यहां पे किसको सेंड करेगा, उसकी आईडी, रिसिपिएंट आईडी, मैसेज, फिर रिसीवर इन पे क्या होगा, सोर्स, कहां से मैसेज आया है, सोर्स आईडी, और ये आपका मैसेज। ओके, बात करते हैं एसिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन की। तो यहां पे क्या होगा, सेंडर नो द आईडी ऑफ रिसिपिएंट बट रिसिपिएंट ओनली रिसीव द मैसेज विदाउट नोविंग द सेंडर आईडी। तो यहां पर क्या होगा कि जो सेंडर होगा वो उसके पास तो आईडी होगी कि हमें किसको भेजना है, मतलब सेंडर के पास रिसीवर का आईडी होगा, बस रिसीवर के पास सिर्फ मैसेज मिलेगा। तो यहां पे देख सकते हैं सेंडर इंड पे क्या होगा, रिसीवर का आईडी और फिर आपका मैसेज, आपने इसे सेंड कर दिया। और जो रिसीवर इंड पे क्या मिलेगा, रिसीवर इंड पे सेंडर की आईडी नहीं मिलेगी कि किसने भेजा है, उसका पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ आपको यहां पे मैसेज दिखाई देगा कि क्या मैसेज आपको आया है। दिस इज द एसिमेट्रिक नेमिंग कन्वेंशन।
अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की. तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वी डज नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ रिसीवर एंड सेंडर. रिसीवर रिसीव द मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स द सिस्टम कॉल और एज फॉलो. तो यहां पर देखो क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को नहीं जानते, उनकी आईडी उन्हें पता नहीं होगी. तो जो सेंडर होंगे, सेंडर एक मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज कहां आएगा, पहले मेल बॉक्स में आएगा और फिर मेल बॉक्स से वह मैसेज कहां जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा. तो जब भी अगर आपको जब भी सेंडर मैसेज भेजना चाहेगा तो यहां पे मान लो तीन सेंडर हैं, P1 P2 P3, इन तीनों ने मैसेज भेजा, वो मैसेज कहां आ गया, पहले मेल बॉक्स में आके रख गया, आके स्टोर हो गया. अब जब रिसीवर आएगा तो वो क्या करेगा, इसी मेल बॉक्स से वो मैसेज निकालेगा. तो इसमें क्या होगा कि रिसीवर को यह नहीं पता चलेगा कि मैसेज किसने भेजा है, बट हाँ यहां पे मैसेज आया है तो वो मैसेज को देख सकता है, रीड कर सकता है. तो आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस मैसेज पासिंग. सो क्या है ये, इट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग मेथड. ब्लॉकिंग रिफर सिंक्रोनियस मैसेज पासिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग रिफर्स एसिंक्रोनियस मैसेज पासिंग. सो गाइस देयर आर फोर टाइप ऑफ मैसेज पासिंग. कौन कौन से, पहला होता है ब्लॉकिंग सेंड. इसमें क्या होता है, सेंडर प्रोसेस इज ब्लॉक अंटिल द रिसीवर रिसीव द मैसेज. नंबर टू नॉन ब्लॉकिंग सेंड. इसमें क्या होता है, सेंडर प्रोसेस कंटिन्यूअसली सेंड द मैसेज विदाउट लुकिंग वेदर रिसीवर रिसीव द मैसेज और नॉट. तो नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, सेंडर कंटिन्यू अपना मैसेज भेजता रहता है, चाहे रिसीवर उसे रिसीव करे या ना करे, उससे मतलब नहीं है. ठीक है. जो नंबर थर्ड होता है वो क्या है, ब्लॉकिंग रिसीव. इसका मतलब क्या होता है, रिसीवर प्रोसेस इज ब्लॉक टिल सेंडर प्रोसेस सेंड द मैसेज. तो भाई जब तक सेंडर मैसेज सेंड नहीं करता है तब तक आप ब्लॉक रहेंगे. जैसे वो सेंडर प्रोसेस जो सेंडर होगा वो जैसे अपना मैसेज सेंड कर देगा फिर आपको हम इनेबल कर देंगे, फिर आप अपना क्या करो, रिसीव करो. जो द फोर्थ वन इज नॉन ब्लॉकिंग रिसीव. इसमें क्या होता है, रिसीवर कंटिन्यूअसली रिसीव द मैसेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. इसमें क्या होता है, रिसीवर लगातार रिसीव करता रहता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. तो जो नेक्स्ट होता है वो आता है बफरिंग इन आईपीसी. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में बफरिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो बफरिंग इज द स्टोरेज फैसिलिटी विच आर वर्क इन बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर डिवाइसेस. इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैसेज आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द रिसीवर, इट ट्रांसफर थ्रू बफर मैकेनिज्म. सो गाइज देयर आर थ्री टाइप ऑफ बफर मैकेनिज्म. नंबर वन जीरो कैपेसिटी बफरिंग, नंबर टू बाउंडेड बफर एंड नंबर थ्री अनबाउंडेड बफर. तो हम बात करते हैं बफरिंग टेक्निक की. तो क्या है जीरो कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो मेमोरी यूज्ड टेक एंड डिलीवर द मैसेज फाइल दैट सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक. सो दिस टाइप ऑफ बफरिंग हैज बफर साइज जीरो. सो अब नेक्स्ट इज बाउंडेड बफर. दिस टाइप ऑफ बफर हैव फाइनाइट लेंथ एंड अनबाउंडेड बफर, दिस टाइप ऑफ बफर हैव इनफाइनाइट लेंथ.